शाहरुख खान के एक फैसले ने ऐसे बदली कोलकाता नाइट राइडर्स की किस्मत। केकेआर इस तरह से एक बार फिर 10 साल के बाद बनी चैंपियन, तो कोलकाता नाइट राइडर्स को, शाहरुख खान को और केकेआर के सभी फैंस को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने आईपीएल के इतिहास में जीत की हैट्रिक लगाई। तीसरा खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उठाया है और एसआरएच को हराया है, तो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, लेकिन केकेआर की इस जीत में एक सबसे बड़ा फैसला था जो शाहरुख खान ने लिया। और शाहरुख खान ने जैसे चक दे इंडिया में, वो तो एक मूवी थी 70 मिनट की, एक जो स्पीच देते हैं उसमें टीम को मोटिवेट करके चैंपियन बनवाया था, वो एक मूवी थी। लेकिन शाहरुख खान ने आईपीएल 2024 से पहले एक जो फैसला लिया था, आज केकेआर की जीत की सबसे बड़ी वजह वही फैसला है, और वह फैसला है गौतम गंभीर को टीम का मेंटर, टीम का कोच बनाना। जी हां, गौतम गंभीर को केकेआर की भागदौड़ एक बार फिर से देना। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रोसेस क्या था। गौतम गंभीर पिछले 2 साल से लखनऊ सुपर जायंट के साथ थे, लेकिन वहाँ पर गौतम गंभीर खुश नहीं थे, क्योंकि जो संजीव गोयनका हैं, उन्होंने वहां पर गौतम को रीहैंड नहीं दिया हुआ था। और इस शाहरुख खान भी पिछले कुछ समय से परेशान थे कि केकेआर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी तरह से गौतम गंभीर को अप्रोच किया और गौतम गंभीर ने कह दिया, जी हाँ शाहरुख भाई, अगर आपकी तरफ से ऑफर है तो मैं केकेआर को ज्वाइन करूँगा। ये गौतम गंभीर के शब्द थे। और आप देख लीजिए कि गौतम गंभीर ने इतने बड़े इंडस्ट्री संजीव गोयनका की लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ दिया, वो टीम जिसको उन्होंने दोनों बार प्ले ऑफ में पहुंचाया, और केकेआर के साथ जुड़ गए, वो केकेआर जिसके लिए पिछले आईपीएल 3-4 आईपीएल बहुत अच्छे नहीं गए थे, परफॉर्मेंस लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन गौतम गंभीर ने इस टीम को एक बार फिर फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। गौतम गंभीर यह काम पहले भी केकेआर के लिए कर चुके हैं, जब उन्होंने 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल का चैंपियन बनाया था, और तब वह एज अ खिलाड़ी के तौर पे थे, तब वह एज अ कप्तान के तौर पर थे, लेकिन इस बार वो एज अ मेंटर और इस बार कोच के तौर पर है। और बहुत ही तारीफ करनी होगी शाहरुख खान के इस फैसले की कि उन्होंने वक्त रहते हुए गौतम गंभीर को एक बार फिर बुलाया। और गौतम गंभीर जब एक टीम में आ जाते हैं, तो शाहरुख खान ने मूवी के में कहा था ना कि हर टीम में एक गुंडा होता है, और इस टीम का गुंडा मैं हूँ चक दे इंडिया में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स में अब सिर्फ एक ही गुंडा है, और उस गुंडे का नाम है गौतम गंभीर, और उसे गुंडे की वजह से केकेआर इस अंदाज में चैंपियन बनी। उन्होंने सनराइज हैदराबाद को पूरी तरह से इस मुकाबले में खत्म कर दिया। हालांकि यह जो केकेआर की जीत है, उनकी बड़ी विलन भी बन सकती है, क्योंकि अब हर तरफ यह चर्चा हो रही है कि गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बन जाएंगे। और अब जब केकेआर ने ट्रॉफी उठा ली है गौतम गंभीर की अगुवाई में, केकेआर चैंपियन बन गए, तो फिर बीसीसीआई की तरफ से गौतम गंभीर पर दबाव बढ़ेगा। और यू नेवर नो कि गौतम गंभीर केकेआर को छोड़कर इंडियन टीम के कोच बन जाएं और फिर केकेआर के साथ दिक्कत हो जाए। लेकिन अभी केकेआर के पास जो टाइम है, जो केकेआर ने एक अचीवमेंट हासिल किया है, ये टाइम है उसको सेलिब्रेट करने का, केकेआर की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का, गौतम गंभीर की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का, साथ ही शाहरुख खान के उस फैसले को सेलिब्रेट करने का बहुत दिन है। और उम्मीद है, उम्मीद क्या, जो तस्वीरें सामने आई, शाहरुख खान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो मैच देखने आए होते अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और इससे बड़ा तोहफा उनकी टीम उनको क्या दे सकती थी।